हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड आज सुबह के टाइम हुआ है 4:27 एंड आज फ्राइडे है और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। एंड मेरी मम्मी ने चाय बना लिया है एंड ये हमारे कान्हा जी है, इनको भी उठा दिया है तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गया इस व्लॉग के कारण। एंड मौसम भी बहुत अच्छा है, आपको दिखाता हूँ। गाइज, बारिश आने का टाइम हो गया है, बहुत भयंकर बारिश आने वाली है। देखिए, ये मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और अभी अभी बूंदाबांदी बारिश हो रही है, बहुत भयंकर बारिश होने वाली है, पता नहीं कितनी बारिश आएगी। तो चलो करते हैं अब स्टार्ट सेशन की, तो देखना है क्या पढ़ना है अब। तो ये हमारे कान्हा जी है, तो कान्हा जी आपने देख लिया। तो ये हमारे चेयर टेबल है, उस पर मेरी सिस्टर बैठती है एंड इस पर मैं बैठता हूँ और हम पढ़ाई करते हैं। और अभी करनी है वो केब का रिवीजन, तो ये है वो केब की क्लास, वो केब की कॉपी है वो, अब इसको करेंगे रिवीजन। तो ये है वो केब की क्लास, अब इसका रिवीजन करते हैं। एंड तो गाइस, जब टाइम होता है एडिटोरियल का एंड अभी तक वो केब वगैरह है उनका रिवीजन अच्छे से हो गया है एंड ये एडिटोरियल है। अब एडिटोरियल पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए, लगभग हमें 30 से 35। आज का एडिटोरियल है डेथ बाई हुक, ये सपूरी लेकर होते हैं जो शराब के लेकर होते हैं उन पर ये बेस्ट एडिटोरियल है, तो पढ़ते हैं इसको। तो एडिटोरियल से कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड है जो आज हमने देखे हैं, तो मैं कुछ बता देता हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं गाइस। जैसे एड्रेस है, इसका मतलब होता है टू स्पीक, किसी को संबोधित करना। मिनिस्क्यूल मतलब होता है टिनी, मतलब बहुत छोटा हुआ। ग्रैंडिलोक्वेंट मतलब बहुत अच्छा बोलने वाला आदमी होता है। वेरासिटी मतलब ट्रूथफुलनेस होता है। लूसिड मतलब क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। हैकेंड मतलब होता है एकदम घिसा पीटा हुआ, ट्राइट किया हुआ। पेट्रब मतलब होता है एकदम डिस्टर्ब होना, आदमी मतलब व्याकुल हो जाता है होता है। रेंटलेस मतलब कंटिन्यू होता है। कर्टेल का मतलब होता है छोटा करना, टू शॉर्ट मतलब किसी को कट करके छोटा कर देना। फिर हार्बिंगर, एक वर्ड हार्बिंगर भी है इसमें। एंड ये बहुत सारे वर्ड है, लगभग 15 से 20 वर्ड है जो आज के एडिटोरियल में आए हैं। एंड आप इनको पढ़ना चाहते हो तो आप इनको एक बार रोक कर देख लेना। जो एक इम्पोर्टेंट वर्ड है इसमें होमली, होमिली जो ये वर्ड है इसका, होमिली मतलब इसका मतलब होता है सिरमन, मतलब इसका मतलब होता है धर्म गीत, परमादेश मतलब परचीजिंग करना किसी को, मतलब उपदेश देना। तो आप देख लेना भाई इस वर्ड को। एंड अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट टास्क। तो अब गाइज मुझे भूख लगी है, तो ये भुजिए थे थोड़े घर पर पड़े थे। एंड अब मैं पढ़ता हूँ कंडीशनल सेंटेंस और इंग्लिश में इनका रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इनका क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। और यहाँ पर हमारे कान्हा जी है, इनको लक्ष्मी है वो नहला रही है और इनको नहला दिया है अभी। इनको अभी भोजन कराना बाकी है तो वो भोजन करा रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो में इनको दिखा देता हूँ। तो देख सकते आप कान्हा जी का दर्शन कर रहे हैं। फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। अभी टाइम हुआ है 11:30 हो चुके हैं एंड अब हमारा समय हो गया है खाना खाने का। कुछ लोग इसे वो लंच बोलते हैं एंड कुछ लोग बोलते हैं खाना खाने का टाइम हो गया। तो हम तो भाई देसी हैं, तो हम कहते हैं हमारा खाना खाने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर ये चटनी है भाई, मिर्च की है और इसमें खुम्बी मिलाई हुई है। खुम्बी जो बारिश के दौरान खेतों में पाई जाती है एंड इसमें काचर होते हैं, काचर जो छोटे छोटे होते हैं, ककड़ी बोलते हैं उसे, उसके काचर है वो मिलाए हुए हैं। तो ये बहुत ही डिलीशियस, इसमें घी गिर कर जब खाया जाता है बहुत डिलीशियस लगता है। उसके साथ प्याज है एंड रोटी है और एक गिलास लस्सी और दही मिक्स है। तो भैया ये इतना कर कर हम जब खेत में खाते हैं ना तो बहुत डिलीशियस टेस्टी, ये मेरी मम्मी बनाती है, उस उन्हीं को आती है बहुत अच्छी बनानी। एंड आप जब खाओगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलो अब इसको खाते हैं, हमारा भी टाइम हो गया है और हमने पूरी पढ़ाई की है।
खाना खा लिया है एंड टाइम हो गया है 11:40 लगभग मुझे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं खाना खाने में। और वैसे मैं खाना खाने में एकदम फास्ट हूँ, बहुत तेज़ी जल्दी से खाता हूँ, मेरी आदत ही है शुरुआत से ही, बचपन से ही। अब जीके पढ़ने का टाइम आ गया है एंड मैं 1 से 1.5 घंटा जीके पढ़ूँगा। और ये है मेरी जीके की नोटबुक, तो इसमें जीके लिखा हुआ, मैं 1 से 1.5 घंटे पढ़ूँगा एंड फिर देखते हैं क्या करता हूँ मैं। और मेरे NTPC की टाइपिंग भी है, उसको भी 1 से 1.5 घंटा करना है। तो ये टाइपिंग के लिए मैंने मेरे दोस्त से कीबोर्ड लिया है एंड उनकी टाइपिंग भी करनी है। तो प्रीवियस ईयर जीके को कवर कर रहे हैं अभी एंड आप भी कर सकते हैं। रोज़ मैं लगभग 100 से 150 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जीके के करता हूँ। तो ऐसे करके 2018-19-20 में जो भी प्रीवियस ईयर SSC ने पूछा है उसके कर रहे हैं। तो भाई अब नींद आने लगी है जीके पढ़ते पढ़ते और अब सोना। तो ये खाट है, इस खाट पर सोता हूँ भाई, अगर कुछ बिछा लूँगा तो इस पर बहुत ज़्यादा नींद आएगी मेरे को, इसलिए इससे बचने के लिए मैं इस पर कुछ नहीं बिछाता, बस ये तकिया इस तकिए के सहारे में सो जाता हूँ। तो भाई यहाँ पर जीके का स्लॉट है वो पूरा हो चुका है एंड बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आपको बारिश का सीन है वो दिखा देता हूँ। एंड मेरी मम्मी ने यहाँ पर चाय बना ली है, तो अब चाय पीने का टाइम भी हो गया है। तो अब चाय पीकर अब नेक्स्ट स्लॉट है वो इंग्लिश का है, फिर से कुछ रिवीजन करना है एंड कुछ रूल है वो पढ़ना है। तो देख लीजिए यहाँ पर पानी, इधर पानी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी हो गया है और यहाँ पर हो रही है लाइव बारिश बहुत ज़्यादा। घर का तो सीन क्या दिखाऊँ आपको, इतना बेटर नहीं है कंडीशन अभी तो खराब है। मैं अभी NTPC की टाइपिंग बाकी है तो उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने ये पेसेज है वो टाइप किया है एंड इसकी प्रैक्टिस है वो पूरी हो चुकी है। ये पूरा इतना बड़ा पेसेज है ये टाइप किया है, इसको बार बार प्रैक्टिस किया है मैंने। और अभी टाइम हुआ है 11:28 यानी 11:30 हो चुके हैं एंड मुझे सुबह जल्दी भी उठना है, तो इस व्लॉग को एडिट करके अपलोड करूँगा। एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपकी जो भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कुछ पूछना हो, कुछ मुझे पूछना, आपको सजेस्ट करना हो मुझे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।